हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ललिता बिश्री मेकओवर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। सो गाइस, मेरा आज का वीडियो है हमारे ब्लैक हेयर्स और वाइट हेयर्स कैसे हम घर में कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो होम रेमेडी है, बहुत अच्छा है और रिजल्ट 100% है। सो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं तो ट्राई करती रहती हूँ। सो मैं आज फिर ट्राई करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सो गाइस, मेरे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे नोज़ में वाइट हेयर्स की बहुत प्रॉब्लम है, नोज़ में और चिन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चुटकी भर इस बाउल में चुटकी भर नमक लिया हुआ है और हम इसमें टूथपेस्ट ऐड करेंगे। आपको भी अगर प्रॉब्लम है ब्लैक हेड और वाइट हेड्स की, ये नेचुरली है, ये होता ही है सबको। सो अगर है प्रॉब्लम तो आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लें और थोड़ा सा नमक लें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, अगर चिन में भी हैं तो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, बट मुझे नोज और यहाँ चिन पे है। सो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आपने अप्लाई कर लेना है जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेयर और वाइट हेयर्स हैं, प्रॉब्लम होती है। सो मुझे नोज़ में बहुत है। आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं या हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो, क्योंकि ब्लैक हेयर और वाइट हेयर्स बहुत गंदा लगता है फेस पे। मुझे ब्लैक हेयर्स तो नहीं है, वाइट हेयर्स की बहुत प्रॉब्लम है। सो मैं यही चीज़ करती हूँ, होम रेमेडी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सो गाइस, इसको अच्छे तरह से अप्लाई करने के बाद हम इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे, मतलब कि ड्राई होने देंगे। सो आप भी यूँ ही करना, अच्छी तरह से लगा लेना है और इसे ड्राई होने देना है। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैंने नमक जो हम सब्जी में नमक डालते हैं वो वाला नमक लिया हुआ है, थोड़ा सा चुटकी भर से भी कम। और टूथपेस्ट तो हम जो मॉर्निंग में यूज़ करते ही हैं, सभी करते हैं। सो टूथपेस्ट लिया है, आप भी यूज़ करना। सो मैंने ये लगा दिया है, आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट छोड़ दूँगी और ड्राई होने दूँगी। सो मैं ड्राई होने देती हूँ। सो गाइस, ये ड्राई हो चुका है और इसे रिमूव करने के लिए आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए अपने फिंगर पे और इसे हल्के फिंगर से मसाज करें, हल्के तरीके से मसाज करें इसे, बहुत ही हल्के तरीके से मसाज करना है इसे। सो गाइज, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ भी खटर पटर सुनाई दे रही हो, सो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे हूँ, तो घर पे शूट कर रही हूँ, तो मेन रोड में है घर, तो आवाज़ आती रहती है। सो अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा तो उस आवाज़ से मैं सॉरी बोलती हूँ आपसे, मुझे माफ़ करिएगा। सो आपको ये अप्लाई करने के बाद इसे हल्के हाथ से मसाज कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे मसाज कर लिया, सो हल्के हाथ से मसाज होने के बाद आप इसे कॉटन की हेल्प से या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे रिमूव कर लें। गाइस, कोलगेट में ऑलरेडी वैसे ही नमक होता है, तो थोड़ा सा कम ही रखना, ज़्यादा मत रखना। सो मैंने यहाँ पे
अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉटन के कपड़े की हेल्प से भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कॉटन के कपड़े से रिमूव कर लिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इसको रिमूव करने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, और आफ्टर 5 मिनट के बाद आप बॉडी लोशन या वैसलीन या मॉइस्चराइजर आप जो यूज़ करते हैं नाइट में वो यूज़ करके सो जाएं। सो गाइस इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इससे सारे ब्लैक हेयर्स वाइट हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। सो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल थी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, गुड नाइट।